हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक विधि से जो बीज गणित के कुछ समीकरण होती है उनका हल ज्ञात करेंगे। तो बीज गणित के जो समीकरण होते हैं उनका वैदिक विधि से हल करने के लिए दो तुम्हारे पास सूत्र होते हैं। एक तो होता है परावर्ती योज्यता वाला और एक है आपके शून्य साम्य समुच्चय वाला। ठीक है, तो पहले आपके हैं परावर्ती योज्यते वाला। ठीक है, परावर्ती योज्यते का मतलब होता है पक्षांतर करके और समायोजन, मतलब प्लस या माइनस करना। ठीक है, तो इसके चार अनुप्रयोग हैं। परावर्ती योज्यते के कितने हैं? चार अनुप्रयोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है उसमें क्या आएगा, आपके ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। अगर इस फॉर्म में आपके कोई समीकरण आए तो उसका आप मौखिक रूप से आंसर दे सकते हो एक लाइन में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, x हल, मतलब x बराबर a या b लिख देना या c और या d। तो d माइनस b a माइनस c इसका क्या होगा, हल होगा। जैसे मैं तुम्हें कुछ सवाल बताता हूँ इससे संबंधित, फर्स्ट अनुप्रयोग से संबंधित। आपके पुरानी जो बुक थी उसकी 1.4 के ये क्वेश्चन है, अधिकतर ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो नई बुक है उसमें इसके क्वेश्चन नहीं दिए हुए, उदाहरण जरूर दिए हुए हैं। तो मैं पुरानी बुक के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करवा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस के 10। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, इसको मैं ये लिख देता हूँ, 3y प्लस के 4 बराबर 5y माइनस के 4। ठीक है, तो देखो इनको कराने के पहले मैं आपको ये सूत्र समझा देता हूँ कि ये आया कैसे। ठीक है, जैसे मान लो समीकरण है हमारे पास ax प्लस के b बराबर cx प्लस के d। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है, x का। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पद जो x वाला पद है वो एक तरफ ले लो, ax माइनस सी एक्स बराबर, ये बी इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा डी माइनस बी। ठीक है, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए माइनस सी बराबर डी माइनस बी। ठीक है, एक्स बराबर क्या होगा, डी माइनस बी बराबर ए माइनस सी, ये इधर इसके नीचे चला जाएगा। तो देखो इससे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कैसे, एक्स बराबर ए बी सी डी और इन दोनों के बीच में माइनस लगा दो। ठीक है, तो सवाल करते हैं अपन। तो ये जो समीकरण दी हुई है आपको बीजीय गणितीय समीकरण, तो ये किस फॉर्म में है, ये ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बराबर ऐसे लिखना ए बी सी डी माइनस माइनस, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने की। ठीक है, अब इसमें देखो वैल्यू रखेंगे अपन, ए बराबर तो क्या है अपने पास 13, बी बराबर क्या है देखो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 14 क्या होगा अपने बी। ठीक है, सी कितना है हमारे पास 9। ठीक है, डी क्या है अपने पास 10। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर ऐसे लाइन खींचना, ए लिखो 13, बी लिखो माइनस के 14, सी लिखो 9 और डी लिख दो 10, बीच में माइनस लगा दो। सॉल्व करो इसको, 10 माइनस माइनस प्लस 14, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा 24/4, किससे कट रहा है 6 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 आंसर, है ना शॉर्ट। इसी तरीके का एक और एग्जांपल है जो तुम्हारी पुरानी बुक का क्वेश्चन है नंबर 2। तो देखो ये हो गया हमारे पास ए एक्स प्लस, ए एक्स की जगह आप वाई ले सकते हो क्योंकि ये वाई दे रखा है, वाई चर राशि दे रखी है, ए वाई प्लस बी बराबर सी वाई प्लस के डी। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स की जगह वाई आ गया। ठीक है, डिवाइड का चिन्ह या ए या बी या सी और या डी, बीच में माइनस। वैल्यू पता कर लो, ए बराबर क्या है अपने पास, ए बराबर है 3, b बराबर कितना है हमारे पास, b देखो 4 है, c बराबर कितना है अपने पास 5 और d बराबर देखो ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा, d बराबर क्या होगा माइनस के 4।
अब हम इसमें वैल्यू पुट रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा, डिवाइड का चिन्ह, ए बी सी डी रखो, ए कितना है 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5, डी कितना है माइनस के 4, बीच में क्या आएगा माइनस, ठीक है। माइनस चार कितने हो जाएंगे, माइनस के 8, ठीक है। और नीचे 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का भाग 8 में कितनी बार, 4 बार। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4, y इज इक्वल टू 4। ये तुम्हारे आंसर, ये तुम्हारे फर्स्ट अनुप्रयोग है, इससे संबंधित सवाल है, कुछ एग्जाम्पल में भी है, वो आप देख लेना। अब इसके बाद देखो, ये सेकेंड अनुप्रयोग है। फर्स्ट अनुप्रयोग में ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी था, यहाँ पे क्या हुआ कि डिवाइड पी और डिवाइड क्यू कर दिया, ठीक है। अब इसको तुम इस फॉर्म में लेके भी आंसर बना सकते हो, और ज़्यादा शॉर्ट में देखना है तो एक्स बराबर ए बी सी डी है ना, पी क्यू क्यू पी, ऐसे याद रखो। जैसे आप चाहो तो इसको इस वाले सेकंड अनुप्रयोग को फर्स्ट वाले में चेंज कर सकते हो, कैसे, पी को इससे वर्ज गुणा कर दो, क्यू को इससे गुणा कर दो, तो ये किस में आ जाएगा, फर्स्ट अनुप्रयोग में बदल जाएगा। लेकिन उससे आप कैलकुलेशन करोगे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, अगर आपको फॉर्मूला याद रह जाए। फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है आपको, कभी भी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर आए ए एक्स प्लस बी बटा में क्या हो, पी हो, सी एक्स प्लस डी बटा में क्यू हो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बराबर जैसे फर्स्ट में किया था हमने ए बी सी और डी, ठीक है। अब क्या आएगा, पहले क्या आ रहा है पी, तो डी पी और बाद में क्यू, फिर क्यू से स्टार्ट करेंगे और फिर पी पे ख़त्म कर देंगे, बीच में माइनस। देखो वही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इससे संबंधित मैं क्वेश्चन बताता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके, 2x प्लस 1 बटा 3x प्लस 4 बराबर में क्या दे रखा है, 1/3। देखो अभी इस फॉर्म में नहीं है ये, तो पहले तो इसको इसमें चेंज करेंगे, कैसे कि 2x प्लस 1/1 आ जाएगा, 3x प्लस 4 वज्र गुणा कर दोगे, ठीक है। 2x प्लस 1/1 बराबर 3x प्लस 4/3, देखो ये और ये चेंज आ गया। इसके बाद हम लिख देंगे फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी बटा पी बराबर हो सी एक्स प्लस डी बटा क्यू के, तब इसका आंसर क्या होगा, एक्स बराबर कितना, ए बी सी डी पी क्यू क्यू और ये पी, ठीक है। बीच में क्या आएगा, माइनस। अब वैल्यू देख लो, ए बराबर तो कितना है हमारे पास, 2, बी बराबर कितना है 1, सी बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना है 4, पी बराबर कितना है 1 और क्यू बराबर कितना है 3। इसके अंदर वैल्यू रखो तो एक्स बराबर कितना होगा, देखो ए कितना है 2, बी कितना है 1 और सी कितना है 3 और डी कितना है 4, मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, पी क्यू 3 और पी क्यू कितना है 3 और पी कितना है 1, बीच में क्या आएगा माइनस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 माइनस 3 बटा 3 दो 6 माइनस 3 कितना बचेगा, 1/6 में से 3 गए तो 3, ये इसका x का आंसर होगा। इसी अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। पांच एक्स
माइनस के 3/2 बराबर में 2x प्लस का 1/5। ठीक है, अब ये सेकेंड अनुप्रयोग लगेगा इसमें भी। क्या है सेकेंड अनुप्रयोग? चूँकि ए एक्स प्लस बी बटा पी हो और सी एक्स प्लस डी बटा क्यू हो, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? एक्स बराबर बटा ए बी सी डी, ठीक है, बीच में पी क्यू क्यू और ये पी, बीच में माइनस। ठीक है, वैल्यू चेक करो क्या क्या है। ए बराबर हमारे पास कितना है? 5। बी बराबर कितना है? देखो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस 3 क्या होगा? बी, ये माइनस इसके साथ चला जाएगा 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद सी देखो, सी कितना है हमारे पास? 2। और डी कितना है हमारे पास? 1। उसके बाद पी कितना है? पी बराबर 2 और क्यू बराबर 5। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे सिंप्लाइज एक्स बराबर बटा कितना है? ए बी, बी कितना है? माइनस में, तो इसको हम क्या कर देंगे? कोष्ठक में बंद। सी कितना है? 2। डी कितना है? 1। वापस मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पी और क्यू से। पहले क्या करेंगे? पी से, फिर क्यू से, फिर क्यू से और फिर पी से, बीच में माइनस। मल्टीप्लाई करके देखो कितना रहा है, 2 5 दिया 15, माइनस के 15 और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस के 15 बटा 5 × 5 = 25, माइनस 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। कितना हुआ ये? 17/21। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 17/21 ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप के हमने कर चुके हैं, सेकंड वाले कर चुके हैं, अब थर्ड वाले देखो। थर्ड टाइप है, थर्ड वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर में x प्लस सी और x प्लस डी आए और मल्टीप्लाई हो बीच में, तो आपको कैसे करना है? x बराबर सी डी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब आप इस वाले फॉर्म को इसमें चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हो, अगर उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो तो ये कर सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ आपको ये फॉर्म आए कैसे। ठीक है, जैसे हमारे पास था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी। ये अब इससे ये कैसे आया आंसर देखो, पहले हम इसको गुणा करेंगे एक्स को अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी को ऐसे गुणा किया तो क्या आएगा? ए बी। ठीक है, अब उधर देखो दूसरी तरफ, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स और प्लस के सी डी। ठीक है, अब दोनों तरफ देखो, एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, इन दोनों को कॉमन ले लो, एक्स को एक्स कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी। ठीक है, प्लस में क्या है? ए बी बराबर, इसमें भी एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या आएगा? सी सी प्लस डी प्लस के सी डी। अब एक्स वाली टर्म को हम एक तरफ ले लेंगे, एक्स ए प्लस बी प्लस के एक्स सी, सॉरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में सी प्लस डी बराबर सी डी माइनस ए बी। ठीक है, इसमें एक्स कॉमन लोगे तुम तो क्या आएगा? एक्स कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, कोष्ठक में बंद, बराबर सी डी माइनस ए बी। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा? सी डी माइनस ए बी, इसके बटा में ये x का गुणज चला जाएगा, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे तुम, याद करने की ट्रिक है। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो पहले हमें देखना है कि कौन सी फॉर्म है। देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है, अब इससे हम x कैसे लाएंगे देखो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे बटा। ठीक है, अब पहले इन दोनों को गुणा कर दो, पहले क्या आएगा? सी डी इस साइड वाला, फिर माइनस इधर आओ ए बी ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी, बीच में माइनस आएगा इसी,
फिर इन दोनों को ऐड कर दो कोष्टक में, सी प्लस डी। देखो ठीक है, याद रह जाएगा। अब हम सवाल करते हैं, देखो थर्ड अनुप्रयोग से संबंधित सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो पहले तो हमें पता चल गया ये किस फॉर्म में है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका हल क्या होता है, x बराबर बटा, मैंने बोला था तुम्हें पहले क्या आएगा, सी डी माइनस ए बी, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी कोष्टक में बंद। ये कोष्टक लगाना मत भूलना, अगर आपने कोष्टक नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, अब देखो हम वैल्यू चेक करेंगे, ए बराबर तो क्या है अपने पास 7, बी बराबर कितना है 9, सी बराबर कितना है प्लस वाला है, यहाँ पे माइनस इसके साथ चल जाएगा माइनस 8, डी बराबर कितना है माइनस के 11। ठीक है, अब इसमें रखेंगे एक्स बराबर, ठीक है मैंने आपको बोला सी डी, सी डी कहाँ है अपने पास माइनस 8 और माइनस के 11, इन दोनों को गुणा करना है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह आएगा, ए बी, ए बी कितना है 7 और 9, 7 इंटू 9, इन दोनों को प्लस करोगे 7 प्लस 9 कोष्टक बंद, माइनस का चिन्ह, फिर कोष्टक लगाओगे माइनस 8 प्लस माइनस के 11, इन दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस 88 माइनस 9 7 63 बटा 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, माइनस ये माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस 11 और माइनस 8 कितने होंगे माइनस के 19, माइनस 19 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 19। ठीक है, अब देखो 88 में 63 गए तो कितने बचे, 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 6 गए तो 2, नीचे 16 और इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 9 15 35, कितने आएंगे 35, ये दोनों 5 से कट रहे हैं 5 बार और ये 7 बार, इसका आंसर क्या होगा अपने पास 5/7। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो फॉर्म क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी। आंसर इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स बराबर बटा में यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पर इन दोनों का गुणा, सी प्लस डी यहाँ पर इन दोनों का गुणा, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब वैल्यू चेक करेंगे, ए बराबर क्या है, ए बराबर 5 है, बी बराबर क्या है 1, सी बराबर क्या है 3 और डी बराबर क्या है 2। ठीक है, इसको इसके अंदर रखेंगे, एक्स बराबर बटा ए और बी का योग 5 प्लस 1 कोष्ठक में बंद 5 इंटू 1। ठीक है, सी प्लस डी करेंगे 3 और 2, 3 प्लस 2 कोष्ठक में बंद, इन दोनों का गुणा 3 इंटू 2, बीच में क्या आएगा माइनस 3 दो 6 माइनस के 5 बटा 5 और 1 6 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 5, 1/1 आंसर क्या आएगा इसका 1। इस तरीके से अपन को ये करना है। पांचवा और छठा तुम्हारे थर्ड अनुप्रयोग से होगा। अब चौथा अनुप्रयोग देखो, इसमें क्या आएगा, m ऊपर आएगा मतलब कोई कोई संख्या दे देगा कोई अचर राशि, और नीचे तुम्हारे x प्लस है प्लस n x प्लस बी देगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर माइनस। ठीक है, अब m प्लस n तो कहाँ आएगा नीचे, और m b और n है, पहले m b आ जाएगा फिर n आ जाएगा। ठीक है, इसको हल करोगे तो आंसर यही आएगा आपके चौथे अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपके।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले। देखो, 1/(x+1)-2/(x-1)=0। ठीक है, अब देखो फॉर्म क्या है मेरे पास, m/(a+n)/(x+b)। ठीक है, बराबर 0 हो तो इसका हल क्या होगा, x बराबर पहले क्या आएगा, माइनस, पहले क्या आएगा, माइनस, बराबर नीचे क्या आएगा, m+n, इन दोनों का योग, फिर क्या आएगा, mb+na। ठीक है, ऐसे अब x बराबर क्या है अपने पास, पहले चेक कर लो, x बराबर तो वो x ही रहेगा, a बराबर कितना है 1, b बराबर क्या है, देखो यहाँ प्लस आता है या माइनस दे रखा है तो ये माइनस इसके साथ चल जाएगा तो -1। ठीक है, इसके बाद m और n भी लेना पड़ेगा, m बराबर कितना है यहाँ पे 1 और n बराबर कितना है, देखो यहाँ प्लस आता है या माइनस है तो ये -2 के यहाँ कहाँ चल जाएगा, 2 के पास, माइनस किसके पास चल जाएगा, 2 के पास, तो n बराबर क्या आएगा, -2। अब इसमें वैल्यू रखते हैं अपन, x बराबर आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, m+n, पहले क्या लिखेंगे, m+n, m कितना है 1 प्लस माइनस के 2, कोष्ठक में बंद, ऊपर क्या आएगा, m कितना है 1 इंटू b कितना है माइनस का 1। ठीक है, इसको कोष्ठक में बंद कर दो क्योंकि आगे क्या है, माइनस है, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस n कितना है हमारे पास, माइनस के 2 इंटू n के साथ किसको गुणा किया है, a को, तो a कितना है हमारे पास 1, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, x बराबर माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस होएगा, माइनस के 1 कोष्ठक छोटा, -2 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 2 और प्लस क्या हो जाएगा, -2। नीचे देखो -2 प्लस क्या हो जाएगा, -1 -2। ठीक है, ये बाहर माइनस है ही सही, -3 कितना, -3, और नीचे क्या आएगा, -1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर एक माइनस एक का भाग दोगे तो वापस क्या आएगा, -3/1, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में x का गुणज जा रहा है 2, x का गुणज जा रहा है 3, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं गुणज, तो देखो हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे, 5/(2x-1)। ठीक है, बराबर 9/(3x-2)। ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब इसको वज्र गुणा कर दो, 3x-2 इधर चल जाएगा, बराबर 2x-1 इधर चल जाएगा। अब ये 9 खाएगा इसके नीचे, 5 खाएगा इधर। ठीक है, 3x के नीचे तो क्या आ जाएगा, 9, 3x-2 के नीचे क्या आ जाएगा, 9, 2x-1 के नीचे क्या आ जाएगा, 5। अब देखो ये कौन सा अनुप्रयोग लग रहा है, देखो मुझे लग रहा है ax+b/p, cx+d/q वाला। तो देखो ax+b/p, cx+d/q। अब इसको, इसका हल क्या बताया मेरे पास, x बराबर, मैंने क्या बताया था तुम्हें, p और q वाले रूप में, पहले a, यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d। ठीक है, पहले क्या आएगा, p, q, q और ये p, बीच में माइनस, वैल्यू चेक कर लो, a बराबर कितना है अपने पास, 3, b बराबर कितना है, -2, c बराबर कितना है, 2 और d बराबर कितना है, -1। फिर p और q भी निकाल लो, p कितना है, 9 और q कितना है, 5। इसके अंदर वैल्यू रखो, x बराबर बटा है ना, a कितना है, 3, b कितना है, -2, c कितना है, 2 और d कितना है, -1। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, p 9, q 5, q और ये p, बीच में माइनस, माइनस के 9 आएंगे,
9 इंटू माइनस एक माइनस, फिर ये माइनस 5 दुनी 10, माइनस के 10 आएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 10, बटा 5 दिया 15, माइनस 9 दुनी 18, ठीक है। अब यहाँ तो क्या बचेगा तुम्हारे, 1 बटा यह क्या बचेगा माइनस के 3, तो इसका आंसर क्या होगा x बराबर माइनस 1/3। तो ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नई बुक में नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन, तो आप उनको कर सकते हो, ठीक है। और कल हम अगले वीडियो में हम शून्य समुच्चय वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो आपको जो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।